इस बार 2024 में साल 2019 के मुकाबले संसद में महिला सांसदों की संख्या में कमी आई है, लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार नारी शक्ति वंदन अभिनंदन में आगे बना हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी में महिला कैंडिडेट की जीत का रेशियो 100% रहा है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी ने 6 महिलाओं को लोकसभा के मैदान में उतारा। ये सभी महिला प्रत्याशी जीत गईं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, संध्या राय, रीति पाठक और हिमाद्री सिंह। चारों महिलाएं चुनाव जीतकर संसद पहुंची थीं। इस बार बीजेपी की 6 नव निर्वाचित महिला सांसदों में सागर लोकसभा सीट से लता वांखड़े सबसे बड़े अंतर से चुनाव जीतने वाली सांसद बनी है। लता वांखड़े ने 4,77,222 वोटों से जीत दर्ज किया। कांग्रेस ने एकमात्र महिला कैंडिडेट नीलम मिश्रा को रीवा लोकसभा सीट से टिकट दिया था, जो चुनाव हार गईं। अब बीजेपी कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बता रही है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। जिस तरह आप देखते हैं हेडलाइन बनती है कि कांग्रेस के हर एक नेता ने जिस तरह महिलाओं का अपमान करते आ रहे हैं, मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, दिग्विजय सिंह जी की बात करूं, कमलनाथ जी की बात करूं, जिस तरह आइटम और टंच बोलते आ रहे हैं महिलाओं को, या मैं उनकी महिला नेत्री सुप्रिया जी की बात करें, जिस तरह उन्होंने कंगना रनौत जी के लिए अपशब्द बोले थे, रणदीप सुरजेवाला जी की बात करूं जिन्होंने उस तरह अपमान किया था महिलाओं का, तो देखिए जो मूल चरित्र अगर महिला विरोधी है तो वहां क्या महिलाओं को वो राजनीति में मौका देंगे। कांग्रेस बीजेपी के महिला विरोधी आरोप को खारिज करते हुए स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल की याद दिला रही है, जब पंचायत चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। देखिए, कांग्रेस पार्टी ही देश में एक ऐसी पार्टी है जिसने महिलाओं को सशक्त करने के लिए सबसे पहला कदम उठाया और देश की प्रथम प्रधानमंत्री भी कांग्रेस पार्टी की ही देन है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी। कांग्रेस पार्टी ने ही पंचायतों में आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को सशक्त बनाने का, और चुनाव में उतारने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो कांग्रेस पर जो इस तरीके के आरोप लगते हैं कि महिलाओं को टिकट कम दिया या ज़्यादा दिया, तो कई बार क्राइटेरिया डिसाइड होता है, जीत का आधार होता है, सर्वे होता है, और कई कारणों से कभी टिकट ज़्यादा भी मिलते हैं और कभी कम मिलते हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि महिलाओं को चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी स्तर पर व्यूहरचना तैयार करनी होती है और पार्टी के कैडर को उनके साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। सिर्फ टिकट देने से सफलता मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। भाजपा के पास सुविधा ये है कि उसके पास उसका अपना कैडर है, वो किसी को भी खड़ा कर दे, क्योंकि महिला नेताओं के पास आमतौर पर सपोर्टर्स की कमी होती है, उनके पास उनका जो पोलिंग स्टेशन पर कार्यकर्ताओं की समस्या आती है, कई तरह की समस्याएं आती हैं। तो भाजपा के साथ ये सुविधा हो जाती है कि उनका पूरा कैडर लग जाता है। कांग्रेस में तो महिला नेत्रियों के अब उंगलियों पर गिनने लायक हैं, और वो भी एक लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं रख पाती, ताकत नहीं रख पाती। बालाघाट ऐसा संसदीय क्षेत्र बना है जहां पहली बार कोई महिला सांसद चुनी गई है। यहां से बीजेपी की भारती पारधी ने जीत दर्ज किया है। वहीं सागर को 44 साल बाद महिला सांसद मिली है। इस सीट से लता वांखड़े के रूप में दूसरी बार कोई महिला सांसद बनी है। राज्य में हुए इससे पहले के चुनावों पर गौर करें तो वर्ष 2009 में भी 6 महिला सांसद लोकसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। इनमें से 2 कांग्रेस की और 4 बीजेपी की थी। इसके अलावा वर्ष 2004 के चुनाव में 2 और 2014 के चुनाव में 5 महिलाएं जीती थीं। इस तरह से एमपी में बीजेपी की महिला प्रत्याशियों के सांसद बनने का रिकॉर्ड 100% रहा है। रमाकांत दुबे, भोपाल, न्यूज 18।